हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजीएसई की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा से पहले ही 8000 ज़्यादा उम्मीदवार जो है बाहर हो गए हैं। अब जो है 62500 ही अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम दिलाएंगे। यह खुशखबरी इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो है इससे क्या होगा कि प्री एग्ज़ाम में जो है आपका कॉम्पिटिशन बहुत ही कम होते जा रहा है। अब जो है 62500 ही एग्ज़ाम देंगे। अब इसमें भी प्री एग्ज़ाम में जो है कुछ ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जो नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। कई लोग कुछ कारणवश नहीं बैठते हैं, तो 500 अभ्यर्थी और कम होने के चांसेस हैं प्री एग्ज़ाम के समय में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे 62500 है, यहाँ चयनित होने वाले हैं 20000 अभ्यर्थी, लगभग 20000 अभ्यर्थी, 20 गुना को जो है चयन किया जाएगा, यानी कि 19500 अभ्यर्थियों को जो है मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि हर 3 अभ्यर्थी में से जो है एक अभ्यर्थी जो है मेंस में जाएगा, मेंस के लिए क्वालिफाई होगा प्री एग्जाम दिलाने के बाद। तो निश्चित रूप से कंपटीशन जो है यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रही है। और यहाँ 8000 से ज्यादा उम्मीदवार जो बाहर हुए हैं, तो बाहर होने का कारण यह है दोस्तों कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाया कि जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको फिर से जो है व्यापम के साइट पे जो है आवेदन करना था, और कहीं ना कहीं उनको जो है आगे चल के पछतावा होने वाला है। यहाँ पे यदि 20 गुना हम लोग हिसाबते हैं तो 19500 अभ्यर्थी हो रहे हैं लगभग, लेकिन यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स ज़्यादा लोग और सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि राजपत्र में बोला गया था कि यदि समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी होंगे उनको भी यहाँ पे लिया जाएगा, चाहे वह संख्या 20 गुना से ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है। तो लगभग 20000 से प्लस अभ्यर्थियों को जो है मेंस में मौका मिलेगा मेंस एग्जाम दिलाने के लिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 8000 अभ्यर्थी जो है और बाहर हो गए हैं, यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल पाए। बाकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम प्रोसेस आपका 6 नवंबर को होने वाला है, 2 घंटे का होगा, ये सभी चीज़ें आपको पता होगी, 300 अंकों की होगी। सिलेबस भी मेरे ख्याल से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो इसकी तैयारी में जो है ज़ोर शोर से लगी रहिएगा, क्योंकि अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है जिसके कारण से नई भर्ती में भी अभी आने के चांसेस बहुत ही कम हो गए हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो आंदोलन होने की तैयारी हो रही है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण बीएड और डीएड संगठन द्वारा, ठीक है। इन्होंने जो है अपने पेज पर जो है पोस्ट अपलोड किया है, और इसलिए किया गया क्योंकि अभी जो हाल ही में कैबिनेट की जो बैठक हुई थी आपातकालीन, वहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आरक्षण वाला, लेकिन उसके लिए कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है सभी अभ्यर्थियों में आक्रोश है और वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और यदि बीएड डीएड का संगठन का जो है आंदोलन होता है तो बहुत बड़ी संख्या में जो है आंदोलन होगी। हमारा जो एसआई का आंदोलन हुआ था रायपुर में भीख मांगने वाला, वहाँ पे मुश्किल से 200-300 प्लस थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, मैक्सिमम 300 लोग थे, लेकिन यहाँ पे जो है संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। और ये आंदोलन जो है बड़े शहरों में बिलासपुर और रायपुर में ही होगा, ठीक है। तो यदि आप आसपास के क्षेत्र हैं तो उसमें ज़रूर सम्मिलित हो जाइएगा। अभी डेट हालांकि यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कि सोचा है 1 नवंबर यानी कि छत्तीसगढ़ महतारी के स्थापना दिवस के दिन एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, परंतु उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर आवेदन निवेदन से बात बन जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा धरना प्रदर्शन करना ही। इसके अलावा दीपावली के तुरंत बाद ट्विटर वार भी हमें करना है, इसके लिए आप सभी साथी तैयार रहें। तो यहाँ पे जरूर सहयोग कीजिएगा दोस्तों, ये आपकी हक की लड़ाई है। आरक्षण के चलते जो है सभी प्रोसेस भर्तियाँ जो थी, आने वाली भर्तियाँ थी, वो भी उस पर प्रभाव पड़ा है, वो रुक चुकी है। CGPSC के भी जो मेंस का फाइनल रिजल्ट था वो भी रोक दिया गया है। आज के वीडियो में इतने ही है दोस्तों, जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।